आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी आपको पता ही होगा कि अभी हमारा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का, नवंबर के महीने में, नवंबर के 8 से लेकर 25 तक। बहुत लोगों के मन में अभी सवाल उठ रहा है कि उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, SBI क्लर्क का, फिर मेंस कब होगा, ऐसे वगैरह वगैरह सवाल। तो आज हम चलते हैं, एक एक्सपेक्टेड डेट देखते हैं जब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SBI वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अभी दोस्तों देखिए, अगर हम नीचे आएंगे तो मैंने ये टेबल अभी बनाया है। 2018 महीना 18 को आप अगर आप देखेंगे, प्रीलिम्स का डेट हुआ था 23, 24, 30 जून को हुआ था। उसका रिजल्ट 26 जुलाई को आ गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने का गैप था लगभग। फिर उसका मेंस देखिए 5 तारीख को हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज देख सकते हैं। 2019 का भी देखें, 22 जून 23 जून को हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम, और रिजल्ट आया था 1 महीने बाद 23 जुलाई को। और मेंस देखिए जस्ट उसके लगभग 15 दिन के बाद ही हुआ था, 10 अगस्त को। अगर 2020 को अगर हम अभी देखेंगे, 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तो मार्च तक हुआ था। और उसके बाद आपको पता होगा कि कोविड आ गया था उस टाइम दौरान, तो उसी दौरान थोड़ा लेट हो गया था। और एग्जाम 20 अक्टूबर को जाकर उसका रिजल्ट निकला था, और मेंस आप देख सकते हो 31 अक्टूबर को हो गया था, मतलब लगभग 10 दिन के बाद। और अभी हमारा जो तो पिछले साल हुआ था 2021 का, उधर 10 से लेकर 13 जुलाई तक ये एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का। उसका रिजल्ट आप देख सकते हो 21 सितंबर को आया था। उसी दौरान कोविड का इफेक्ट उसी दौरान भी थोड़ा थोड़ा था, कई सारे राज्यों पे लॉकडाउन भी लगा था, तो इसके इसके लिए ये थोड़ा लेट हो गया था, अगस्त सितंबर 2 महीना हो गया था। और आप देख सकते हैं मेंस भी थोड़ा लेट हुआ था, 17 नवंबर हो गया था, लगभग 2 महीने के बाद। तो अभी आते हैं हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वो 12 से लेकर 25 नवंबर तक हुआ था, और एक्सपेक्टेड अवर अगर हम कर सकते हैं रिजल्ट, तो ये सब सारे ये आंकड़े देखकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 दिसंबर तक ये आ जाना चाहिए दोस्तों। मतलब 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25 के बीच ये आ जाना चाहिए। अगर हम मेंस की बात करेंगे तो पिछले वाले में हमने देखा था कि 10 से 12 दिन के बाद ही मेंस होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो अगर 20 से 25 दिसंबर को आ जाएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 5 जनवरी तक 2023 में मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।